मसीह में प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हर साल की तरह हम महागिरजाघर में या गिरजाघर में पास्का नहीं मना रहे हैं। हमारे हाथों में जैतून की डालियां भी नहीं है। खाली हाथ और कुल्ले दिल लेकर संघर्षपूर्ण डरी हुई इस परिस्थिति में इन दिनों में घरेलू कलिसिया यानी आपके परिवार में अपने प्रिय जनों के साथ हम प्रभु यीशु के पास्का रहस्य का समारोह मनाने के लिए पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन प्रभु यीशु दुख भोगने, अपनी जान की कुर्बानी देने और महिमा सहित जीव उठने के लिए यरूशलेम नगर बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रवेश किया। कोरोना महामारी के कारण आप लोग घर पर रहकर आत्मिक रूप से इन पास्का रहस्यों में भाग लेंगे। हमारे प्रभु ने दुख और मृत्यु पर विजय पाया। वही प्रभु आपको शांति और शक्ति प्रदान करें और आप सबों को हर बीमारी से, हर कतरे से बचा के रखें। आइए आज के पूजन विधि में प्रभु यीशु महिमा का यरूशलेम में समारोही प्रवेश को याद करते हुए भक्तिपूर्वक भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, खजूर के इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा क्रिस्त का अनुरूप कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहां वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
जब वे यरूशलेम में निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए तो यीशु ने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ लोग तो कहें देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वो इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, शियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वो विनम्र है, वो गधे पर बछड़े पर लदा जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चले गए, यीशु ने जैसे आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़े लेकर आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई, लोग पूछने लगे ये कौन है, और जनता उत्तर देती थी, ये गलीलिया के नाजरत के नबी यीशु है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। Yeah.
एक सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे कि मानव को दीनता का आदर्श मिले। हम इनको और इनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उन्हें उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 50, पवित्र वचन 4-7। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया, मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया, मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। झुंड ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेदते हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। हे मेरे ईश्वर,
दिया है मेरे ईश्वर। दूसरा पाठ, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6-11 तक। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको यह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पातल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। प्रभु की अध्याय 27 वचन 11-54। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, ये आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था, इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायसन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में
हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इस बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाए और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांग कर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उसके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरीन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुँचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया, वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले, और तीन दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतरा। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता, ये तो इज़राइल का राजा है, अब ये क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे चुढ़ाएं। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली
एली लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह एलियस को भुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पंसोखता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। आइए हम अपने घुटने टेकें। हम सब खड़े हो जाएं। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चे, कैसे पता था हम लोगों को जब हम उस दिन शाम के 5 बजे जब हमारे पूरी देशवासी हम लोग अपने अपने घरों के सामने खड़े हुए या बैल्कनी में थे या छोटे से आंगन पर खड़े थे और 5 बजे हम सब भाई बहनों ने ताली बजाए और कोई कोई चर्चेस में जैसे हमारे बड़े गिरजाघर में हमने बड़ी घंटी बजाई और सब लोग इधर उधर देख के एक दूसरे की ओर मुस्करा रहे थे। सब लोग ताली इसलिए बजाए क्योंकि हमारे डॉक्टर जन, हमारे नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के सपोर्ट स्टाफ और ऐसे कर्मचारी सब पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने पेशेंट्स या मरीज को बचाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं लगातार। और ये नर्सेस, डॉक्टर, सपोर्ट स्टाफ हमारे इस महामारी बीमारी के फ्रंट लाइन में हैं, फ्रंट लाइन पर हैं। जैसे युद्ध में जो सैनिक फ्रंट लाइन में आते हैं उनको ज्यादा चोट लगता है, घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं फ्रंट लाइन के सोल्जर्स। ये हमारे फ्रंट लाइन के सोल्जर्स हैं। लेकिन उस समय, उस दिन हमने इतने गंभीरता से नहीं समझा, लेकिन दिन बढ़ते 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 आज पूरी देश में, विदेशों में, 200 देशों में एक बड़ा माहौल आ गया। सब लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं और सब लोग सोच रहे हैं क्या होना है, क्या होगा और हमारे जीवन में क्या आएगा, ये एक चिंता है। डॉक्टर लोग, नर्स लोग, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ,
जानते हैं कि ये गंभीर स्थिति है। कल मुझे खबर आया, एक नर्स जिसका एक साल का बच्चा है वो घर पर है, पिताजी उस एक साल के बच्चे को संभाल रहे हैं, वो नर्स हॉस्पिटल में ही है, वहीं पर सो रही है, सेवा कर रहे, वो वापस नहीं आ सकते अपने घर में क्योंकि ड्यूटी ऐसा है। गंभीर स्थिति एक घटने का। चर्च में मैं देखता हूं कभी कभी, क्योंकि चर्च बंद है, लेकिन कभी कभी कोई भाई बहन आते हैं और वहां पर घुटने टेक कर जमीन पर हाथ रख के सिर झुका के दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी अपने घरेलू परिवार में ऐसी परिस्थिति आप भी महसूस कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों बच्चे, 2000 साल पहले ऐसे ही दिन पर प्रभु यीशु जब यरूशलेम आ रहे थे तो लोग हाथों में जैतून के डालियां उठा के प्रभु के जय जयकार कर रहे थे, होसाना, और डालियों को और अपने वस्त्र को बिछाकर प्रभु यीशु को चलने दिए। एक हर्ष उल्लास का वातावरण था, लेकिन प्रभु यीशु गंभीर परिस्थिति देख रहे हैं जो आने वाला है, क्योंकि यरूशलेम उनका मौत और मृत्यु का जगह है और वहां से पिता परमेश्वर कुछ करेंगे उनके लिए। वो जानते हैं ये तालियां, ये होजाना, ये हर्ष उल्लास क्षणिक है, बदल जाएगा, जैसे हम इन दिनों में बदल रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों बच्चे, कितनी जरूरत है एक दूसरे के प्रति हम सांत्वना और अनुकंपा, और जो दम तोड़ रहे हैं उनके प्रति प्रभु की शांति, और जो गुजर गए उन्हें अनंत जीवन का शांति मिले। कैसे हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो मरीज हैं आईसीयू में, कितने फोटोज हम देख रहे हैं न्यूज चैनल में, कितने लोग आईसीयू में हैं, दम तोड़ रहे हैं या बड़े प्रयास कर रहे हैं वेंटिलेटर के द्वारा सांस लेने के लिए। तो कितनी जरूरत है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें। हरेक भाई बहन आज एक बोझ उठा रहे हैं, कितनी जरूरत है हम आपसी एक दूसरे के प्रति वो अनुकंपा, प्यार, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति वो एकता प्रकट करें। कितनी जरूरत है आज। Everyone today is carrying such a load. How much more each one of us is called to be loving, to be kind, to be compassionate, to be forgiving, to be understanding, and also praying for those in the ICU and also those who are at the last breath, that God's eternal peace and rest be with them. And how much more we also pray for wisdom and strength and courage to lead us to make the right decisions. कितने हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, पूरी देश एक कर्फ्यू में है और हम लोग सब अपने अपने घरों में एक छोटे गिरजाघर के समान हैं। आप लोग जीवित पत्थर हैं इस घरेलू कलीसिया का। यू आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ दिस डोमेस्टिक चर्च। योर ऑल्टर, योर टेबल, योर बाइबल इज द सेंटर, एंड इट इज हियर दैट यू एंड आई कैन ड्रॉ स्ट्रेंथ एंड ग्रेस। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जैसे हम अपने अपने समुदायों में, लघु ख्रिस्तीय समुदायों में, आपको पता है एक चौथा चरण है,
वो कौन सा चरण? हम एक प्रभु के सुसमाचार जो हमने आज सुना है, आपके पास बाइबल है, आप संत मती के 26वां 27वां पाठ खोलिए, पढ़िए, पढ़ते जाओ, एक एक जगह पर आपका आंख रुक जाए, उस वचन को आप उठाओ, दोहराओ तीन बार अपने हृदय में, उसके बाद और थोड़ा धीरे से धीमी रूप से आगे बढ़ो, एक और शब्द, एक और वाक्य आपको चुभेगा, उसको दोहराओ, जैसे आप सांस ले रहे अपने अंतर्तम में उसको दोहराओ, ये प्रभु यीशु के वचन हमें चंगाई देगा, मन में, हृदय में, आत्मा में, शरीर में। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, ये वचन जो हमने आज सुना है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और सुसमाचार, ये सब एक क्रूसित प्रभु यीशु के बारे में है। All this is about the crucified God. None else and no one else. And therefore, it is this God who cried at the tomb of Lazarus. It is this God who is now with Jesus, also crying with us, feeling with us, strengthening us, comforting us, leading us, inspiring us like Jesus. It is the crucified God. God is today in those people who are struggling to make ends meet, struggling to breathe, struggling to live, struggling to come back, to reunite and to be united with their home and family and all in the neighborhood, to once again be connected. And all of us today are realizing how much we are interdependent, how much we cannot be in isolation from each other, how much we need each other, how fragile is humanity today, how things have gone out of our control, kitne nazuk hai hamari jeene ka, kitna nazuk hai humme apna jeevan, hum log sochte the hum control mein hain, ab sab out of control ho gaya. That unseen virus has made things so different for each of us. To priya bhaiyo behno mere pyare bachche, aur hum padhte hain in dinon mein kaise Judas ne kya kiya, Petrus ne kya kiya, shishyon ne kya kiya, mahayajakon ne kya kiya, फारसियों ने क्या किया, पोंतुस पिलातुस ने क्या किया, और दो डाकू प्रभु यीशु के दाएं बाएं उन्होंने क्या किया, ये सब हम जानते हैं, पढ़ रहे हैं। हम भी इनके जूते में चले, लेट अस एंटर द सैंडल्स ऑफ जूडस, ऑफ पीटर, ऑफ द हाई प्रीस्ट, ऑफ द फारसीज, ऑफ पायलट, ऑफ द टू थीव्स, let us enter their sandals. But above all, we look at Mary, our mother. What happens now? In her open hands, she will receive this body of her son. Pray by Venu, humbi. इस दिन हाथ में डालियां तो नहीं है, लेकिन हम खुले हाथ से, विनम्र दिल से उस प्रभु और यीशु की ओर अपना हाथ उठाए, और प्रभु जैसे मां मरियम के हाथों में आए, हमारे भी जीवन में आएंगे, वो खुला शरीर, वो टूटा शरीर, वो एक तरीके से घायल शरीर, वो छेदित शरीर जिससे पानी और रक्त बहने लगा, वो भी हमारे हृदय को चुभे। अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं, जैसे आप
इस पाठ को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आप कोई स्पेक्टेटर जैसे कोई क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच स्टेडियम में नहीं देख रहे हैं, आप भी यूदस पेत्रुस शिष्यों फारसी पोंतुस पिलातुस मां मरियम जैसे महसूस करो, स्पर्श करो वो कांटों को, देखो सुनो जो आवाज लोग उठाते हैं क्रूस दो उसको सुनो, देखो वो खून का जो स्मेल है, फील इट, टच दोस थॉर्न्स, हियर द साउंड, ओपन योर आईज, द स्मेल ऑफ ब्लड, दैट इज द पैशन, खजूर द्वार, दिस इज द होली वीक। और जैसे क्वायर ने बहुत सुंदर तरीके से गीत गाया, और क्या था वो शब्द, बहुत सुंदर शब्द जो हमने सुना है, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और आखिरी पंक्तियों में आपने और शायद आप सुनेंगे, प्रभु के भक्तों उनकी स्तुति करो, याकूब के सब वंशजनों उसकी महिमा गाओ, इज़राइल के सब वंशजनों उसका उद्धार करो, दैट इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू पॉन्डर ऑन, बिकॉज साम 22 इज नॉट अ साम ऑफ डिप्रेशन, इज नॉट अ साम ऑफ डेसोलेशन, इट्स अ साम ऑफ विक्ट्री, because in that last verse of that Psalm 22 we hear, you who fear the Lord, give him praise, all sons of Jacob, give him glory, revere him, Israel's sons. That is the hope with which we journey with this Jesus, because he will rise, he will overcome that big stone, he will overcome any obstacle, and his resurrection and his presence is fear not. I am always with you. And he breathed his spirit on them. Priya bhai behno, ant mein bachcho, main yehi bolna chahta hoon. Ye punarjeevit Prabhu Yesu aayenge aur ve bolenge daro nahi, main tumhare saath hoon. Aur ve अपने लोगों पर, शिष्यों पर, डरे हुए कांपते हुए शिष्यों पर पवित्र आत्मा फूंक दी है, He blew his spirit upon them. आइए इसी विश्वास से हम मिस्सा में भाग लें। प्रेरितों का धर्मसार और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान तथा ईश्वर हम विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और गर्भ से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, विद्यमान ईश्वर के और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने, हम पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चे, खजूर रविवार प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण करने का रविवार है, और इसी के साथ हम पवित्र सप्ते में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम के पवित्र शहर में जय घोष के साथ यीशु का विजयी प्रवेश और पवित्र शुक्रवार के दिन उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी।
हम भी अपने जीवन में आने वाले दुख भोग संकटों एवं चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समस्त विश्व में फैली पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जिसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जीवित उपस्थिति का संकेत है। संत पिता सभी धर्माध्यक्ष याजकों और धर्म संगियों के नेतृत्व में कलीसिया अपने प्रभु येसु और स्वामी के प्रति सदैव विश्वस्त बने रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। उन ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु येसु में विश्वास करने के कारण सताए जाते हैं, ताकि अपने कष्टों में वे येसु से शक्ति प्राप्त करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र कलीसिया जो मसीह का रहस्यमय शरीर है, मानव समाज में होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। समाज के सभी कमजोर वर्ग के लिए प्रार्थना करें जो गरीब बेघर बीमार और निसहाय है, ताकि ईश्वर उनकी देखभाल करे और उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास दिलाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। इस पावन समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि खजूर रविवार का उत्सव हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में मदद करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तूने अपनी पवित्र इच्छा से अपने पुत्र को निस्सहाय रूप से क्रूस पर मरने दिया। वे क्रूस जो दुख और मृत्यु का प्रतीक था, अब मुक्ति का चिन्ह बन गया। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। Are you Lord God of all creation? The witness we have this bread to offer, which earth is given. The human hands have come for us, the bread of life. God needs to come to share the bread of Christ, self to share in our humanity. Blessed are you Lord God of all creation, with the goodness we have this wine to offer, which earth is given. And human hands have come for us, our spiritual drink. Lord God, we ask you to receive us and for the sacrifice we offer you with humble and contrite heart. Lord God, wash away my sins and cleanse me from all my iniquity. भाइयों बहनों बच्चे, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा उनके समस्त कलीसिया के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तू हम पर शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते,
उन बलिदान के द्वारा हम तेरी दया और क्षमा प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, हे परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए दुख भोगा और कुकर्मियों के लिए मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। इसलिए आकाश और पृथ्वी, दूतगण और महादूत इनकी स्तुति गाते हुए जय जयकार करते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सूथी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक चढ़ा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेवकी या मन रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आए, पर एक ही शब्द कह दे मेरी आत्मा शरीर हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, यह मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीजों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पावन बोध से तृप्त होकर हम सविनय प्रार्थना करते हैं। जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रताप से हमें अपने लक्ष्य तक भी पहुंचा दे। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को याद कर विनती। हे परम याद कर के सुनने में नहीं आया, कोई तेरी मदद मांगने तेरी विनती तेरे पास आया और दूसरा सहाय छोड़ा आया हो। मरियम शांति की रानी, मरियम परिवारों की रानी, धन्य देवसायम।